हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सबको जय माता दी। और आज है गरबा का फोर्थ डे और हम लोग आए हैं नकुरु टेंपल में। अभी बस गरबा शुरू होने वाला है और मेरी फ्रेंड मिन्नी और मनीषा दोनों मेरे साथ, हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं बस मंदिर में। और खूब जोरों से आज डांडिया होने वाला है यहाँ पे टेंपल में, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और नकुरु में कृष्णा टेंपल में हमारा गरबा का ब्लॉग देखते रहिए, पूरा देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग आज का गरबा नाइट। जय माता दी, जय माता। सो गाइस, अभी कृष्णा टेंपल में मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे गरबा के साथ साथ आप अपनी फ्रेंड्स से भी मिल सकते हैं और सोशल गैदरिंग है यहाँ पे। बाहर आके आप अब्रॉड में सब जगह अपने फ्रेंड्स से मिलना हो तो टेंपल इज़ द बेस्ट प्लेस आल्सो टू मीट एंड ग्रीट योर फ्रेंड्स। और अभी ये देखिए गरबा शुरू हो गया है, सब कितने सुंदर अटायर में हैं। आज तो गरबा की पूरी धूम होने वाली है, तो मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा, इसमें आपको सब गरबा का पूरा फंक्शन देखने के लिए मिलेगा नवरात्रि का कृष्णा टेंपल में। और ये देखिए मेरी सारी फ्रेंड्स और सुहानी भी पीछे डांस कर रही है, सो गरबा उसने भी पूरा सीख लिया है। मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ अभी थोड़ा थोड़ा गरबा सीखने की। एंड एवरीवन, ऑल लेडीज़ आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस नवरात्रि अटायर, लहंगा चोली एंड साड़ीज़। मैक्सिमम ने तो लहंगा चोली पहना हुआ है, सो ऑल आर लुकिंग लवली। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार होके आते हैं। गरबा तो मतलब गुजराती कम्युनिटी में ऐसे लगता है जैसे किसी की शादी चली हुई है, हमारे शादी में ऐसा तैयार होते हैं रेडी। और यहाँ पे गरबा के लिए भी सब लोग, सब लेडीज़ बहुत अच्छी तरह से रेडी होके आती हैं, तो देखने का अलग ही मज़ा होता है। और हमारे हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो 16 श्रृंगार में करनी चाहिए, वो दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड यही लेडीज़ का टाइम होता है एक्चुअली, यही जो फेस्टिवल है वो एक्चुअली है भी वुमेन एम्पावरमेंट का। वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर द गॉडेस दुर्गा, विच इज़ अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, दैट वुमेन्स आर नॉट लेस देन एनीवन इन दिस होल वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं उसी की पूरी महिमा के लिए सब लोग गरबा करते हैं माता रानी के आसपास, और उसकी जीत की प्रसन्नता में ही ये जो है उत्सव मनाया जाता है। तो सब लोग डांस कर रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में। यहाँ 9 दिन तक पूरा धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप किसी भी विश्व के कोने में चले जाएं, ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए, मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही बातों में लग गई, अभी आप लोग गरबा एंजॉय कीजिए। नकुरु में फुल नाइट शो होगा ये गरबा का, पूरा ब्लॉग की वॉचिंग।
सो गाइज, नवरात्रि की ऐसी धूम है, सब बहुत कलरफुल ड्रेसेस में हैं और बहुत ही सुंदर दिख रही है मेरी सारी फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग लेने जा रहे हैं फोटोज। अगर आप इतना तैयार होके आए हैं, इतनी मेहनत करके, तो फोटो लेना तो बनता ही है। दीज आर जस्ट द मेमोरीज ऑफ दिस नवरात्रि, जिसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और वी कैन कीप वॉचिंग दिस लेटर ऑन। तो फोटोग्राफी इज ऑल्सो माई हॉबी, और सच में इसमें अच्छा लगता है कि हम लोग बाद में भी अपनी जो है पूरी मेमोरीज ताज़ा कर सकते हैं। और ये मेरा ब्लॉग भी आप सेव कर सकते हैं, और आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे सारे नवरात्रि के ब्लॉग्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब किया है तो आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है अपने फ्रेंड्स के साथ नवरात्रि में, नकुरु में, वो आप हमेशा देख सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब का बस एक बटन प्रेस करना है। सो अगर आप चाहें तो पिछले साल के नवरात्रि के ब्लॉग भी आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए और आप चेक कर सकते हैं मेरे पिछले साल के ब्लॉग्स भी नवरात्रि में हैं। सो सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और देखिए सब कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी खींच रहे हैं थोड़ी सी फोटो, सब लेडीज, सब फ्रेंड्स टुगेदर। इट्स रियली मेमोरेबल टाइम विच ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू कैप्चर।
सावधान 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 अनामी भक्त नैरवपति 32,000 के 500 कमाओ भक्त करे सो गाइज यहाँ पे आके बचपन की यादें भी ताजा हो जाती हैं और हमारा बचपन वंस अगेन आ जाता है थोड़ा सा बाहर। तो मुझे भी ये करना बहुत पसंद है, यहाँ पे रोरल घूमना। तो मैंने मनीषा के साथ बहुत इंजॉय किया और हर साल हम लोग यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी तो जरूर कर ही लेते हैं टेम्पल में। सो इवन बच्चे भी कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन सी कि बड़े भी सब लेडीज यहाँ पे खूब इंजॉय करती हैं इस चीज में। और इस बार देखिए आपकी मंदिर में कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है, बहुत ही कलरफुल है सारा मंदिर, बहुत भव्य तरीके से सजाया गया हुआ है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है यहाँ का ऑर्केस्ट्रा, जो संगीत वाले इंडिया से बुलाए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया, उन्होंने चार चांद लगा दिए यहाँ की नवरात्रि में। नकोरू की नवरात्रि पूरी धूमधाम से इसलिए लग रही है इस बार क्योंकि जो म्यूज़िक सिस्टम है ना उससे बहुत ही ज़्यादा मीन्स मज़ा आ रहा है सब लोगों को सुनने का, जो गाने लाइव चल रहे हैं और इतना बढ़िया ऑर्केस्ट्रा है, पूरी टीम इनकी इतना बढ़िया बजाती है और इतना बढ़िया गाती है। ये लेडीज़ बहुत ही सुंदर गाती हैं, इनकी वॉइस बहुत ही स्वीट है और हम लोगों को सच में बहुत मज़ा आता है इनकी आवाज़ सुन के यहाँ पे। सो रियली थैंक्स टू ऑल दिस टीम कि इन लोगों ने नकुरू का पूरा गरबा जो है उसमें चार चांद लगा दिए अपनी आवाज़ से और अपने गरबा के सॉन्ग से।
सो गाइज, ये था आज का दिवस नकुरु कृष्णा टेम्पल में नवरात्रि का। सब लोगों ने गरबा बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने खूब गरबा खेला और सच में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है, इससे वेट लॉस भी होता है। हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में, हम लोगों का 9 के 9 दिन फास्टिंग रहता है लोगों का, या फिर 2 दिन, मेरा तो 2 दिन ही फास्टिंग है। तो इसमें काफ़ी आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं फास्टिंग से आइदर, और या फिर गरबा से। आप 9 दिन तक ऐसा गरबा कीजिए अगर आके टेम्पल में, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस योर वेट, क्योंकि मैंने देखा ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी नेक्स्ट भी आपको सारे रोज मैं आ रही हूँ मंदिर में, तो आपको सारे के सारे ब्लॉग जो हैं नकुरु टेम्पल के गरबा के देखने के लिए मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।